तो दोस्तों बहुत दिन बाद आज अनबॉक्सिंग वीडियो एक लेके आया हूँ आपके लिए। मैं भी गांव में था तो इस चैनल पे रेगुलर वीडियो वगैरह नहीं आ रहा था, लेकिन मैं देख सकते हैं आज आपके लिए एक लाया हूँ पेट्रोनिक्स की तरफ से एक ईयरबड्स। जी हाँ, बहुत ही यूनिक डिजाइन लगा मुझे, इसका क्वालिटी वगैरह अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको परचेस किया और मैं सोचा आपके संग भी रिव्यू शेयर करूं। आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं आपका। ये पेट्रोनिक्स की तरफ से देख सकते हैं ट्विंस S8। जी हाँ, चलिए आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले देखते हैं बॉक्स, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है, स्टील का बॉक्स दिया हुआ है। ऊपर में आपको एक पेट्रोनिक्स का या ब्रांडिंग का एक आपको कागज वगैरह मिल जाएगा, डब्बा वगैरह मिल जाएगा। इसके नीचे जैसे इसको खोलते हैं तो देख सकते हैं इसके नीचे आपको एक स्टील का बॉक्स मिल जाएगा, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे देख सकते हैं स्टील का बॉक्स वगैरह मिल जाएगा। इसको आपको खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे सी टाइप केबल आपको एक देखने को मिल जाएगा जो कि फास्ट चार्जिंग इसमें सपोर्टेड है। सी टाइप केबल के बाद उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ईयरबड्स रखा हुआ है, तो ईयरबड्स को रखते हैं साइड में। और इसमें से देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे देख सकते हैं पेपर वगैरह दिया हुआ है जो कि आपको मैनुअल गाइड वगैरह दिया हुआ है। इसमें मैनुअल गाइड में देख सकते हैं आपको सब टच सेंसर वगैरह किस साइड में क्या काम होता है, नेक्स्ट सॉन्ग के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, सब आपको इसमें देख सकते हैं फंक्शन वगैरह दिया हुआ है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, देख सकते हैं वाइट कलर में कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है और बहुत ही अमेजिंग और लुक लग रहा है, बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन दिया हुआ है। नीचे साइड में देख सकते हैं टाइप सी केबल लगाने का यहाँ पे आपको जैक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पीछे में जो है प्लास्टिक का फुल्ली यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है। ऊपर साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक गोल सा ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, तो ये एक LED यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट दिखाएगा इस केस का। जी हाँ, ये चार्जिंग केस का आपको यहाँ पे चार्जिंग दिखाएगा कितना परसेंट चार्ज है। यहाँ पे नीचे पेट्रोनिक्स का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है। खोलते ही देख सकते हैं इसको, यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट दिखा देगा कि आपका जो ये ईयरबड्स का जो बॉक्स है कितना परसेंट चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे 98% अभी चार्ज है इसका। और कुछ इस तरह से देख सकते हैं डिज़ाइन दिया हुआ है, व्हाइट कलर में है। ठीक है, इसका दो तीन और कलर अवेलेबल है लेकिन वो मुझे मिला नहीं, बोल के मैंने सिर्फ व्हाइट कलर ही लिया है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस तरह से ईयरबड्स का डिज़ाइन दिया हुआ है। इस टाइप का ईयरबड्स मुझे उतना खास पसंद नहीं आता है, लेकिन मैंने इसको जब अपने कान में पहना तो मुझे सही में बहुत ही अच्छा फिटिंग हुआ और मैंने बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ वगैरह किया, गाना वगैरह सुना, दो तीन मूवीज़ वगैरह देखा, लेकिन फिर भी कान में पेन नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं मेन साउंड की। तो भाई साहब, साउंड की बात करो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे साउंड इसका ठीक ठाक सा लगा। ठीक है, मतलब उतना क्या है, अगर आप हेवी वॉल्यूम पे सुनते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसका जो साउंड क्वालिटी है थोड़ा सा मुझे भारी भारी टाइप का लगा, उतना क्लियरिटी नहीं है साउंड में। ठीक है, पेट्रोनिक्स वगैरह क्या है, ज़्यादातर कंप्यूटर का गैजेट्स वगैरह बनाते हैं, इन्होंने ईयरबड्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे उतना खास इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे उतना पसंद नहीं आया इस प्राइस रेंज का। 1200-1300 रुपये में आपको और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स ईयरबड्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन मुझे इसका 1200-1300 रुपये के प्राइस के रेंज के हिसाब से मुझे साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, गेमिंग वगैरह में कोई यहाँ पे बीस्ट मोड वगैरह नहीं दिया हुआ है, लो लेटेंसी वगैरह नहीं दिया हुआ है। गेमिंग वगैरह भी किया तो वो सब उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। नॉर्मली आप यूज़ करते हैं साउंड के लिए तो साउंड वगैरह ठीक ठाक सा है, लेकिन उतना भी खास अगर वाव लेवल का मैं बोलूँ तो वाव लेवल का नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो आपको पता ही है 1200-1300 रुपये मैं बोल रहा हूँ, तो 1200-1300 रुपये के अंदर में ही आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन मुझे आपको बात करें तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसका कम से कम नहीं भी तो प्राइस 800 या 900 के अंदर होना चाहिए, तब जाके ये मुझे लगता है कि हाँ चलो वैल्यू फॉर मनी ये जो प्रोडक्ट है वो है। सबसे मेन बात कि इसमें आपको 1 साल का वारंटी मिल जाता है। जी हाँ, 1 साल का वारंटी, इसमें आपको सर्विस सेंटर का वारंटी भी इसमें आपको बॉक्स के पीछे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको मिल जाता है। और बात करें प्ले टाइम की, तो आप बॉक्स सहित अगर बात करें तो 30 घंटे तक का प्ले टाइम दिया हुआ है। अगर ईयरबड्स की बात करें मिनिमम, ये दोनों ईयरबड्स अगर आप यूज़ करते हैं एक साथ तो मिनिमम 4 से 5 घंटा आप आराम से इजिली सुन सकते हैं एक चार्जिंग पे। ठीक है, उसके बाद आप इसको 30 घंटा जो केस का यहाँ पे चार्जिंग दिया हुआ है इसको आप आराम से 3 या 4 बार अपना जो ईयरबड्स है उसको चार्ज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अब से रेगुलर वीडियो आएगा क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।